भारत नेपाल सीमा तराई में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी WWF के सहयोग से दुधवा कैंपस में विश्व गैंडा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुदित गुप्ता द्वारा सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद DD दुधवा ने बच्चों को संबोधित किया और गैंडा के जीवन की टेली फिल्म को दिखाकर बेहतरीन तरीके से रोहित ने सभी को बहुत अच्छी तरह से गैंडा दिवस और गैंडा के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसे बच्चों व स्टाफ ने ध्यान पूर्वक सुना व सभी ने ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद गैंडा विषय पर ही कविज का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने रुचि पूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सही जवाब देने वाले बच्चों को वार्डन अमरीश व मुदित गुप्ता ने प्राइज व गिफ्ट का वितरण किया। उसके बाद वार्डन दुधवा ने सभी का धन्यवाद अदा कर कार्यक्रम का समापन किया, जिसमें मौके पर दुधवा टाइगर रिजर्व के DD मनु सोनकर, वार्डन SK अमरीश व दुधवा सोनारीपुर रेंज के स्टाफ, WWF के कोऑर्डिनेटर मुदित गुप्ता, रोहित रवि, राधेश्याम, गुरुकुल एवं एडमिंटन स्कूल के विद्यार्थी व अध्यापक उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट, SKH न्यूज। उसके बाद हम कर पाए, ये भी एक विचार अभी शुरू हुआ है कि क्या कुछ। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है। हम यहाँ पे आज दुधवा नेशनल पार्क में अपने विद्यालय एडमिंटन पब्लिक स्कूल के साथ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जहाँ 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे सारे बच्चों को बुलाया गया है। ओपन क्विज भी रखा गया है, थ्रू द मिस्टर राहुल सर इज देयर, उनके थ्रू प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी जा रही है, जिससे बच्चे अवेयर हो रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे रखा जाए, किस तरह से उनकी कई तरह क्विज भी रखी जा रही है, जिससे बच्चों को कई तरह से उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, और एक मोटिवेशनल स्पीच भी दी गई है, किस तरह से बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज वर्ल्ड राइनो डे है और हम सभी दुधवा के जो पलिया के हैं, प्रयास किए हैं कि उनके कुछ बच्चे आ जाएं जिनको गैंडा के बारे में जानकारी दी जाए और एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। ठीक है सर, गैंडा जो परियोजना है हर वर्ष मनाई जाती है। हाँ, गैंडा दिवस हर 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्या गैंडा के लिए कोई योजना भी की गई है? नहीं, यहाँ पे तो री इंट्रोडक्शन हुआ है, 1984 में पहला इंट्रोडक्शन हुआ था और दूसरा 2018 में, दो रेंजों में है, और क्या कहते हैं इनको सफलतापूर्वक हमने री इंट्रोड्यूस किया है और लोगों को जागरूक करने का एक आयोजन किया गया है, ताकि लोग अवेयर रहें और इसके प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दें। सर, जो बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है? जी, आज एक क्विज का कंपटीशन भी किया गया है और उसमें उन लोग को अवार्ड भी दिया जा रहा है। मसूद अहमद है, मैं एडमिंटन पब्लिक स्कूल पलिया कला से आया हूँ। यहाँ हम लोगों को इनवाइट किया गया है बच्चों के साथ, ताकि इस आज के प्रोग्राम में, आज जो दुधवा नेशनल पार्क में मनाया जा रहा है राइनो डे, ये वर्ल्ड राइनो डे, इस पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो कि ये बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है राइनो को हम कैसे सेव कर सकते हैं, वो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए कितना बेस्ट है, कितना ज़रूरी है, और उससे एक राइनो को अगर हम सेव करते हैं, राइनो सेव करते हैं, तो उससे बहुत सारे स्पीसीज को हम सेव कर सकते हैं। क्या इसमें बच्चों को जानकारियाँ दें, क्या सम्मानित जानकारियाँ दी जा रही हैं, इनके बच्चों को जानकारियाँ दी जा रही हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो भी इस पर काम करें और अपने लोगों को बताएं, जिससे कि हम राइनो को सेव कर सकें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके, और जितने भी कोचर्स हैं उनसे हम सेव कर सकें, और ऐसी चीज़ों को ना परचेज़ करें, ऐसी चीज़ों को ना खरीदें जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ के वाइल्ड लाइफ से बनाए गए चीज़ हों, उनके जानवरों से बनाए गए।